ये रहा। चलो भाई जाओ फटाफट अंदर। और आप सभी को याद होगा कि ये फीमेल ने खुद से ही जोड़ा ले लिया था हमारे कनाक कबूतर के साथ में। हम लोग ने सोचा था कि इसका जोड़ा लगाएंगे अपने न्यू सारनपुरी कबूतर के साथ, लेकिन उससे पहले ही इसने जो है जोड़ा ले लिया था अपने कनाक कबूतर के साथ और इसने रख दिया था अंडा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार बच्चे निकल जाएँ और बच्चे एक बार बड़े हो जाएँ उसके बाद जो है इसका पेयर मैं तोड़ दूंगा एंड इसका पेयर लगाएंगे अपने सारनपुरी कबूतर के साथ में। लेकिन गाइस अभी जो है दिक्कत ये आ रहा है कि अभी बच्चा तो निकल गया है बट जो कनाक कबूतर है वो इधर उधर घूमता ही रहता है, मस्ती मारता रहता है। अभी भी देखो ये जो है पेटी में नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे आके बैठा है। बट गाइस अभी जो है दिक्कत ये आ रहा है कि इनका जोड़ा जो है नया और जो कनाक कबूतर है ये प्रॉपर बच्चे का केयर नहीं कर पा रहा है। ठीक है अभी भी देखो पेटी में जो है ये बेचारी अकेले ही बैठी है अपने बच्चे के पास में और जो कनाक कबूतर है वो जो है भाई बाहर बैठा हुआ है। और ये दिन में भी गाइस ऐसे ही करता है, इधर से उधर घूमता रहता है, उड़ता रहता है। इसका मन होता है तो बच्चे के पास आता है, खिलाता है, और मन नहीं होता तो इधर से उधर मस्ती मारता रहता है। तो अभी जो है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रहा है क्योंकि ये बच्चा छोटा है और ये फीमेल जो है इसका प्रॉपर अभी केयर कर सकती है। लेकिन एक बार अगर ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तब इसको ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होगी और ये फीमेल इसको अकेले नहीं खिला पाएगी और बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस बच्चे को उठा के रख देते हैं अपने लाल कासनी कबूतर के नीचे ही। सबसे पहले चलते हैं लॉफ्ट के अंदर और यहाँ पर है अंडा, तो इसको सबसे पहले चेक करते हैं कि अंडा ख़राब है कि नहीं, क्योंकि ये अंडा गाइस काफ़ी टाइम हो गया इसके अंदर से बच्चा नहीं निकला है। तो मेरे हिसाब से ये अंडा हो चुका है ख़राब है अंडा। तो अभी जो है इसको चेक करते हैं, मेरे हिसाब से तो ये अंडा ख़राब है भाई। ये देखो ये अंडा हो चुका है ख़राब। इसके बच्चे को उठा के रख दिया जाए अपने ये जोड़े के नीचे, ये लोग जो है प्रॉपर केयर कर लेंगे। अभी जो है ये जोड़े के नीचे भी है अंडे और इनमें भी बच्चे मेरे हिसाब से बन गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक भी कर लेंगे कि बच्चे बने हैं कि नहीं, और अगर बच्चे बन भी गए होंगे तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो पेयर रहती है, यहाँ पर जो फीमेल बैठी हुई है, इसका अंडा अभी ताज़ा है, उसके अंदर अभी भी जो है बच्चे नहीं बने होंगे। तो इसके अंडे हम लोग हटा देंगे और इनके नीचे अपने ये जोड़े के अंडे रख देंगे, ये लोग प्रॉपर केयर करेंगे और इसके बच्चे को उठा के हम लोग रख देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके हम लोग अंडे को उठाते हैं, ये देखो, और चेक कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर बच्चे बने हैं या फिर नहीं। ये देखो गाइस इसके अंदर जो है नस दिख रही है, आप लोग को दिखी होगी हल्का हल्का, ठीक है, इसके अंदर बच्चे बन गए हैं। ये देखो ये अंडे में बच्चे बन गए हैं। तो ये अंडे को तो हम लोग नहीं फेंक सकते, तो इसके अंडे को हम लोग रख देते हैं अपने ये जोड़े के नीचे एंड इनके नीचे जो दो ताज़े अंडे हैं इनको हम लोग अभी हटा लेते हैं और ये अंडे को रख देते हैं। ये रहेगा सेफ, बच्चे को हम लोग उठाते हैं यहाँ से। ये देखो गाइस ये है बच्चा, ठीक है, ये जो है अभी इतना ज़्यादा छोटा बच्चा है इसीलिए जो है अभी ये फीमेल प्रॉपर इसको खिला पा रही है। बट एक बार अगर ये बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा और मैं नहीं चाह रहा कि ये बच्चे को कुछ हो, इसीलिए जो है अभी जो है शांति से इस फीमेल के नीचे हम लोग बच्चे को रख देंगे और ये लोग प्रॉपर जो है केयर भी मेरे हिसाब से करेंगे। अभी जो है इस जोड़े के नीचे मैंने इस बच्चे को रख दिया है और ये फीमेल जो है अभी उसके ऊपर बैठी हुई है। तो मेरे हिसाब से गाइस काम बन जाएगा, ये जोड़ा सोचेगा कि भाई इसके अंडे में से ये बच्चा निकला हुआ है और ये बच्चा इनका ही है। तो कल सुबह में आके चेक करेंगे कि ये बच्चे का ये लोग प्रॉपर केयर कर रहे हैं या फिर नहीं। और ये रही फीमेल, इस फीमेल को हम लोग थोड़ा सा खुले में रखेंगे एंड इसका पेयर हम लोग लगा देंगे अपने सारनपुरी कबूतर के साथ में। और ये जो है ताज़ा अंडा है, इसके अंदर अभी मेरे हिसाब से बच्चे नहीं बने होंगे, उसके बावजूद भी इस अंडे को चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर बच्चे बने हैं या फिर नहीं। अगर बच्चे बन गए होंगे तो इसको भी किसी ना किसी कबूतर के नीचे रख दिया जाएगा। और गाइस इसके अंदर अभी बिल्कुल भी बच्चा नहीं बना है क्योंकि अभी जो है ये ताज़ा अंडा है। और इसके अंदर चेक करते हैं, ये अभी भाई ये देखो, और ये दूसरा अंडे में भी अभी तक बच्चा नहीं बना है। अभी जो है इस अंडे को हम लोग हटा देते हैं एंड अपने जो कबूतर हैं ये भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अभी जो है मैं लॉफ्ट को करता हूँ बंद एंड मैं आप लोग को मिलता हूँ अब डायरेक्ट सुबह में। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आप लोगों को याद होगा कल रात में जो है मैंने अपने एक कबूतर का बच्चा जो रामपुरी फीमेल है उसका बच्चा उठा के मैंने दूसरे जोड़े के नीचे रख दिया था क्योंकि वो लोग प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे थे उस बच्चे का। तो अभी हो चुका है सुबह, अभी हम लोग अपने कबूतरों को बाहर भी निकालेंगे
अभी जो है फिलहाल में अपने कबूतरों को बाहर में नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप धूप जाल देखो, धूप जाल के अंदर अभी गंदगी है। कल शाम को हमने साफ़ नहीं किया था, तो कबूतर खोलने से पहले धूप जाल साफ़ किया जाएगा, उसके बाद कबूतर निकालेंगे। लेकिन गाइस सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, वो देखो गाइस फीमेल जो है प्रॉपर बैठी हुई है। इधर से ये लकड़ा भी हटा देते हैं जिससे कि प्रॉपर दिखे। वहाँ पर देखो जो लाल कासनी जोड़ा है, जो लाल कासनी की फीमेल है, वो जो है बच्चे के ऊपर ही प्रॉपर बैठी हुई है, मतलब प्रॉपर केयर कर रही है। उसे लग रहा होगा कि ये उसी के बच्चे हैं जो अंडे को वो इतने टाइम से हैच कर रही थी, उसमें से ही बच्चा निकल गया है, क्योंकि वो बच्चा छोटा सा ही है, वो उसको अपना ही बच्चा समझ रही होगी। और अगर वो उसको अपना बच्चा नहीं समझती तो अभी तक उसको मार ओर के साइड में हटा दी होती और उसको इतना प्रॉपर उसका केयर नहीं करती। तो मेरे हिसाब से गाइस काम बन गया है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते, जब कबूतर बाहर निकलेंगे दाना पानी कर लेंगे तो हम लोग को बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा कि वो लोग उसको खिला रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से वो लोग उसको प्रॉपर खिलाएंगे, प्रॉपर डाइट देंगे, क्योंकि अगर उसको लगता कि भाई ये दूसरे का बच्चा है तो अभी तक उसको वो हैच नहीं करती, वो साइड हट जाती या फिर उसको मारने लग जाती। ठीक है, जाल के अंदर भी साफ़ सफाई हो चुका है, तो अभी अपने सभी के सभी कबूतरों को धूप जाल के अंदर खोल देते हैं। आओ 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 आओ, अभी जो है अपने कबूतर धूप जाल के अंदर खुल चुके हैं, तो मैं चलता हूँ लॉफ्ट के अंदर एंड देखता हूँ कि क्या वो फीमेल प्रॉपर केयर कर रही है या फिर नहीं। गाइस वहाँ पे देखो आप लोग, ये फीमेल मेरे हिसाब से इसको कुछ खिला रही है। ये देखो अभी देखो आप लोगों को वो बच्चा दिख गया होगा, ये बच्चे को जो है ये कुछ भी नहीं कह रही है, ये बच्चे को समझ रही है कि ये मेरा ही बच्चा है एंड इसका प्रॉपर केयर भी कर रही है। तो गाइस ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो गई कि ये लोगों ने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है। अभी जो है अपने सभी के सभी कबूतर खुल गए हैं, लेकिन ये कबूतर को खोलना मैं भूल गया था, तो ये लोग बेचारे कब से परेशान हो रहे हैं बाहर आने के लिए, तो इनको भी भाई बाहर निकाल देते हैं, आ जाओ। अभी जो है एक और गुड न्यूज़ ये है कि जो हम लोग का बाजरा कबूतर है उसका भी जोड़ा लग चुका है, जो सतीश ने हम लोगों को एक न्यू फीमेल दिया था उसके साथ में। और गाइस ये लोगों ने बहुत ही जल्दी भी जो है जोड़ा ले लिया है। अभी देखो दोनों के दोनों कबूतर जो है एक ही पेटी में आराम से बैठे हुए हैं। ये फीमेल जब सतीश ने हम लोगों को दिया था तो कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने इसको सिंगल रखा था, बट अभी जो है हम लोगों ने इसका जोड़ा लगा दिया है और इन लोगों का जोड़ा भी लग चुका है। अभी जो है ये एक बात तो बहुत ही अच्छी हो गई है कि जो लाल कासनी का जोड़ा है उसने उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया है एंड उसका प्रॉपर वो केयर भी कर रहा है। एंड हम लोगों ने अभी अपने सभी के सभी कबूतरों को दाना पानी धूप जाल के अंदर ही डाल दिया है। इस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पर नया फिर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर से और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।